गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। पहले अपना बल लगाकर इन दोषों को दूर करो, जब दूर नहीं हो तब निर्बल होकर भगवान को हे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। पर अपने में बल का अभिमान नहीं होना चाहिए। गुरु भगवान ने बताया कि हम सबके नेचर में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे कमियां हैं हमारे स्वभाव में, और हम सब जानते हैं। सहनशीलता कम है, बोल जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परिस्थिति आने पे घबरा जाते हैं, चिंता फिक्र हो जाती है, राग द्वेष हो जाता है, बहुत सारे दोष हैं। कोई कुछ कह देता है तो बुरा लग जाता है। जब भी कोई दोष मन में आए तो कह रहे हैं निर्बल होकर, प्रभु मेरा कोई बल नहीं है, सारा बल आपका है। हे गुरु भगवान, हे प्रभु, सारा बल आपका है, आपके बल से ये सब दोष दूर हो सकते हैं। देखिए, हम अपनी मैं में रहकर कोई दोष दूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो प्रभु का बल मिलेगा, प्रभु की कृपा होगी तो दोष चुटकियों में दूर हो जाएंगे। जैसे हम रिएक्ट कर जाते हैं, हम बोल जाते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं, हमारे मन की नहीं होती तो मन चलने लगता है, तो सारी बातों से ऊपर उठने का, जब भी कोई दोष आए तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, बचाओ बचाओ, हे नाथ आपका ही बल है। मेरी मैं का तो कोई बल है ही नहीं, मुझ में तो कोई बल है ही नहीं। तो कह रहे हैं बिल्कुल निर्बल होके, निर्बल होए भजो भगवाना, निर्बल होकर भगवान को पुकारे और अपने बल का कोई अभिमान ना करें, क्योंकि प्रभु जो कुछ कराएंगे आप कराएंगे, जो कुछ होगा आपके करने से होगा, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। मेरी शक्ति अल्प है और आपकी शक्ति अनंत है। आप तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप तो सब कुछ हैं, और मैं क्या हूं? मैं खाक का था एक जर्रा, मेरी क्या थी हस्ती, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत। तो गुरु के लिए कहा जाता है हम कुछ नहीं थे, अभी भी हम कुछ नहीं हैं। तो जो कुछ है वो सब गुरु की कृपा है, भगवान की शक्ति है। तो कह रहे निर्बल होकर भगवान को पुकारें, अपने बल का अभिमान होगा तो सच्ची प्रार्थना कर सकोगे नहीं, देरी लगेगी। कह रहे जरा भी अपने बल का अभिमान होगा, मैं होशियार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ पर मुझे कोई समझता नहीं है। तो कह रहे अपने को कुछ मत समझो, बिल्कुल बी नथिंग हो जाओ, जीरो हो जाओ, और भगवान के आगे जैसे हम लोग करते हैं ना दंडवत, जेंट्स तो पूरा लेट जाते हैं, पर लेडीज को पूरा लेटना मना है। क्यों? क्योंकि धरती कहती है मैं उनकी छाती का बल नहीं सह सकती, क्योंकि स्त्री जो है वो ऑलरेडी इतना सहन करती है, तो वो लोग घुटनों के बल अपना सर टेकती हैं स्त्रियां, और जेंट्स को, जेंट्स में ज़्यादा ईगो होता है तो उनको कहते हैं पूरा लेट जाओ, तो उनको दंडवत प्रणाम ऐसे करते हैं, स्त्रियां ऐसे करती हैं। तो कह रहे अपने बल का जरा भी अभिमान ना हो, अपना बल जीरो। बोले अपने बल का जरा भी अभिमान होगा, हम अपने को जरा भी होशियार बुद्धिमान लायक कुछ भी समझेंगे तो बहुत देरी लगेगी, और ये लगेगा भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ कृपा है वो सब गुरु की है, जो कुछ कृपा है वो सब भगवान की है, मैं कुछ नहीं हूँ। जितना निराभिमान होंगे, जितना जीरो होंगे, तो उतनी ज़्यादा हमारी श्रद्धा होगी, और श्रद्धा हमारी पहली संपत्ति है। श्रद्धा बेस है ज्ञान का, श्रद्धावान लपते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जा। तो कह रहे हैं बिल्कुल निर्बल होके
छोटे बच्चे की तरह, छोटा बच्चा माँ को पुकारे तो माँ दौड़ी आती है ना, ऐसी छोटे बच्चे की तरह भगवान को पुकारे कि हे नाथ मेरे अंदर बहुत दुर्गुण दुराचार है, आप ही दूर करें। अगर हमको ये लगता है मेरे अंदर तो कोई दोष नहीं है, सब लोगों को मेरे दोष दिखते हैं, तो ये हमारा अहंकार। तो गुरु कहते हैं कि कोई भी दोष अगर कोई हमारा बताता है तो बड़ी कृपा करता है। जैसे गीता भगवान इतने बड़े गुरु, अंतिम समय तक वो कहते थे मेरे में कोई गलती हो तो बताओ, मैं दूर करने को तैयार हूं, आई एम विलिंग टू चेंज। गुरु हमको बार बार कहते हैं गर्दन पे हाथ रख के कहो, करिए अपनी गर्दन पे हाथ रखिए, आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने को तैयार हूं। तो हर वक्त हमारी ये फीलिंग होनी चाहिए कि मैं बदलने को तैयार हूँ। और ये प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से ही हो सकता है कि हमारे दोष दुर्गुण दूर होते जाए। अपने बल, बुद्धि, विद्या, साधन, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान होगा तो ये उपाय काम नहीं होगा। तो कह रहे जरा भी अपनी बल, विद्या, बुद्धि, मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो इंग्लिश पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो शास्त्रों का पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो संस्कृत जानता हूँ, मैं तो काम में भी होशियार हूँ, मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मैं तो सब कर लेता हूँ। तो कह रहे हैं कोई भी अहंकार नहीं, ऐसे बन जाइए छोटे बच्चे की तरह, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जो भी कुछ है वो सब गुरु का दिया हुआ है, जो भी कुछ है वो सब गुरु का है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे गुरु भगवान कहते हैं अपनी मछियारी वाली ड्रेस हमेशा याद रखें। भगवान को पुकारने में हार स्वीकार मत करो, भले ही वर्ष लग जाए। कह रहे भगवान को पुकारने में हार स्वीकार कभी मत करो, पुकारते रहो पुकारते रहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपके मुंह से निकलता ही रहे हे नाथ। सबसे आसान प्रार्थना है हे नाथ। कह रहे इसमें हार कभी मत मानो, जिंदगी लग जाए आखिरी श्वास तक, बोले नाम जब कब तक करें, प्रार्थना कब तक करें, आखिरी श्वास तक। कह रहे भगवान को पुकारने में जिंदगी लग जाए, जिंदगी के आखिरी दम तक भगवान को पुकारते रहो, अंत में आपकी विजय जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं। कह रहे हैं अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो विजय आपकी जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, विजय आपकी होगी। आपको संदेह है, किसी को संदेह है? आप सच्चे हृदय से पुकारिए भगवान को, कोई संदेह नहीं। अपना समझकर भगवान को पुकारो तो नकली प्रार्थना को भी भगवान असली मानकर स्वीकार कर लेते। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। कह रहे अपना मानकर, झूठे में बच्चा कह दे मम्मी आप बहुत प्यारी हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, झूठे को कह रहा है, पर आप सच्चा मानेंगे या झूठा मानेंगे? सच्चा मानेंगे ना। तो कह रहे झूठी प्रार्थना भी अगर हम भगवान से करते हैं कि मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, तो भगवान सच्ची मान लेते। और भगवान सिर्फ आपका प्रेम देखते हैं, आपकी पुकार देखते हैं, आपके दुर्गुण दुराचार तो देखते ही नहीं है। और दुनिया में पहले दुर्गुण दुराचार देखते हैं, बहुत फर्क है गुरु के प्रेम में, भगवान के प्रेम में, दुनिया के प्रेम में। वो सिर्फ आपकी कमियां देखेंगे और गुरु सिर्फ आपका प्रेम देखेंगे। एक साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको उसके दोष नहीं बताते हैं कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो। सारे जो ट्राइब वाले हैं, सारे उसके जो वो हैं संगी साथी, वो उसको सराउंड कर लेते हैं, उसके चारों तरफ
इकट्ठे हो जाते और बताते तुम्हें ये अच्छाई है, तुम्हें ये अच्छाई है, तुमने ये अच्छा काम किया, तुमने ये अच्छा काम किया, तुम तो इतने अच्छे हो। तो जो मतलब जो उससे कोई कमी हो गई होती है उसको लगता है कि अच्छा मैं इतना अच्छा हूँ तो मुझसे ये कमी कैसे हो गई, और वो कमी उसकी झट दूर हो जाती है। और दुनिया में हमसे गलती हो जाए तो सब लोग क्या क्या कहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कितने कितने वो लगाते हैं दोष। तो गुरु कहते हैं कि सबको बढ़ाओ आगे, किसी को डाउन मत करो, सबसे प्रेम करो, सबको आगे बढ़ाओ, किसी के दोष मत देखो। तो नकली प्रार्थना भी भगवान असली समझकर स्वीकार करते, भगवान का इतना भारी प्रेम है। तो आप भगवान को पुकारते रहिए, कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और मैं मतलब मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मैं आपको एक सेकंड के लिए भी ना भूलूं। आप सच्चे दिल से प्रार्थना करिए, अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होंगी तो ज़रूर सफलता मिलेगी। कह रहे हैं अपने बल से निराश, मेरे में कोई बल नहीं, मेरे में कोई ताकत नहीं, अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास। तो अपने बल से निराश होना है कि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई ताकत नहीं है, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्धि विवेका। भगवान जो कुछ है जीवन में वो आज दिन तक आपने ही कराया। देखिए हम लोगों के वृंदावन में कितने लोग आते हैं, 1,500-2,000 लोग तो आते हैं अतुल जी, है ना, भागवत में तो 1,500-2,500 लोग आए, इतने लोग आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, बसों से आते हैं, ट्रेनों से आते हैं, फिर अपने घर वापस जाते हैं। कौन लाता है उन्हें, कौन सेफली वापस ले जाता है? आप लोग भी कहाँ कहाँ से आए, कौन लेकर आया, कौन आपको वापस ले पहुँचाएगा घर? ठीक, भगवान पहुँचाते, कितनी कृपा है। तो सारी मतलब हर समय भगवान को याद करते रहना चाहिए। एक सेकंड लगता है, एक सेकंड। एक बार की बात है, गुरु भगवान ने बहुत सारी बसेस बद्रीनाथ केदारनाथ भेजी, बहुत सारी बसेस, कम से कम 8-10 बसें बद्रीनाथ केदारनाथ गई थी। तो एक दिल्ली की बस थी, उन्होंने बताया कि हमारा जो एक पहिया था उसका बस का, वो बिल्कुल ऐसे साइड में हो गया और बस ऐसे लटक गई और बस जो है खाई में गिरते गिरते बची और सब लोग जो है दूसरी बस में ट्रांसफर हो गए। बोले उस समय सब लोग नाम जप कर रहे थे इसलिए भगवान ने बचा लिया। उस दिन से गुरु भगवान ने बद्रीनाथ केदारनाथ बसें भेजना बंद कर दिया। सच्ची बात है। तो देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, कितनी बड़ी गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए एक एक चीज पे, एक एक कदम पे भगवान गुरु हमारे साथ होते हैं। तो एक एक कदम पे हमें शुक्राना मानना चाहिए, एक एक कदम पे, एक एक कदम पे भगवान को याद करते रहना चाहिए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक एक श्वास में उनकी कृपा, उनका शुक्राना, उनकी याद आती रहनी चाहिए। हे नाथ निकलता रहना चाहिए। हे नाथ एक क्षण के लिए भी आपको ना भूलो, आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूं। अपने बल से निराश और भगवान के बल पर विश्वास, ये दो बातें होंगी तो जरूर सफलता मिलेगी। आइंस्टाइन जो है वो दुनिया के जब बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का उन्हें अवार्ड मिला था, आइंस्टाइन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे एक छोटा बच्चा समुद्र के आगे पेबल्स कंकड़ पत्थर बीनता है, मैं तो एक छोटे बच्चे की तरह हूँ,
नॉलेज के समुद्र के आगे। आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड पिकिंग अप पेबल्स फ्रॉम द शोर ऑफ नॉलेज। आई एम जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो हम लोग क्या चीज है? तो इतना बड़ा उन्हें बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा मैं तो एक छोटे बच्चे की तरह। तो गुरु यही तो हमको कह रहे हैं, तुम भी छोटा बच्चा बन जाओ, बच जाओगे, बड़े मत बनो, ईगो मत करो, अहंकार मत करो, छोटे बच्चे बन के भगवान को अपना मान के भगवान को पुकारो, भगवान सब करा देंगे, सारे दोष दुर्गुण दूर करा देंगे, सारी कमियां दूर करा देंगे, अपने से प्रेम करा देंगे, जीवन सफल करा देंगे, सब करा देंगे। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान से एक ही चीज मांगो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कह रहे भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए, सारा संसार तो भगवान का है, हम क्या देंगे उनको। तो कह रहे वो सिर्फ याद करने से प्रसन्न हो जाते। आप सिर्फ हे नाथ कहते रहिए, उन्हें याद करते रहिए, वो प्रसन्न हो जाते। ये एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। यानी भगवान को याद करना सबसे बड़ा मंत्र है। हे नाथ में आपको भूलू नहीं, ये सबसे बड़ा मंत्र है। आप अगर भगवान को याद करते रहेंगे, भगवान की स्मृति बनी रहेगी, तो आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता सब गुण आ जाए और उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतने गुण आ जाएंगे आप सिर्फ भगवान को याद करने से। जैसे कहते हैं कि राम जपत राम ही हो जाए। हम भगवान को जपते हैं तो हम भगवान का ही रूप हो जाते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं उसी का रूप हो जाते हैं। तो आप भगवान को दिल से याद करेंगे तो उनके सारे गुण आपके अंदर आते जाएंगे। जैसे हमारी एक सत्संगी हैं, तो कल वो अपना अनुभव बता रही थी कि हमारी छोटी सी बिटिया है, उसको हमने स्कूल में एडमिशन कराया। वो चंडीगढ़ का बेस्ट स्कूल है। तो वो टीचर बोली ये तो हमारे स्कूल में पढ़ नहीं सकती, तो इधर उधर देखती रहती है, कभी इस बच्चे को छेड़ेगी, कभी उस बच्चे को नोचेगी, कभी कुछ शैतानी करेगी, तो ये तो हमारे स्कूल में चल नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने 9 महीने सत्संग सुना है, जब से मैंने इसको कंसीव किया था पूरे 9 महीने मैंने गुरु का सत्संग सुना है। तो ये गुरु की बच्ची है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अच्छा ना करे। तो आप एक बार और उसको रख के देखिए। तो बोली फिर उन्होंने और रखा, तो बोली आपने भगवान कृष्ण का सत्संग सुना है ना, इसलिए कृष्ण की तरह नटखट है। बोली उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखा, थोड़ी हम लोगों ने भी पेशेंस रखा, तो बोली इस बार वो अपने क्लास में फर्स्ट आई। तो देखिए हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। उन्होंने उनको कितना कॉन्फिडेंस था कि मैंने सत्संग सुना है तो इसमें अच्छे गुण होंगे ही जरूर। हम एकदम होपलेस हो जाते हैं। तो कह रहे आपने भगवान को याद किया है, आपने सत्संग सुना है, आप गुरु के बच्चे हैं दिल से, तो आप में शांति, आनंद, दया, प्रेम का ठिकाना नहीं होगा, सारे गुण आएंगे आपके अंदर। आप विश्वास तो करिए, आप गुरु के बच्चे तो बनिए, आप भगवान को याद तो करिए। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा, केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब रिद्धियां सिद्धियां पास में आ जाती।
कह रहे सिर्फ भगवान को याद करने मात्र से सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ पास में आ जाती। देखिए पहले जो महात्मा लोग होते थे वो किस पे कहाँ तपस्या करते थे, इन्हीं हिमालयों में, उन्हें ठंड नहीं लगती थी, उन्हें कुछ नहीं होता था, लोग उनके पास बैठते थे और वो उनको आशीर्वाद दे देते, उनके पास बैठने मात्र से ही शांति मिल जाती थी। रमण महर्षि जो साउथ में थे, उनके पास लोग बैठते थे और प्रश्न लेके आते थे, बोलते तो बहुत कम थे और सारे उनके प्रश्न सॉल्व हो जाते थे, उनको शांति मिल जाती थी। बड़े बड़े फॉरेनर्स आते थे उनके पास, तब तो एरोप्लेन्स भी नहीं चलते थे, शिप से लोग आते थे उनसे मिलने के। तो कह रहे सिर्फ भगवान को याद करने से, अपने स्वरूप में रहने से आपके अंदर सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती। हम लोग जो जैसे अभी हम लोग गुरु भगवान ने हमको वीडियो दिखाया था, ये जो है पतंजलि, इसमें जो वो है बाल कृष्ण जो उनके सीईओ हैं कंपनी के, तो उन्होंने अभी 10,000 करोड़ तक अपना वो कर लिया है, 10,000 करोड़ तक पर ईयर तक उनका वो चला गया है टर्नओवर। और उन्हें शुरू करा था 1-2 हज़ार करोड़ से, तो बड़े 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 एमएनसीज, वो कहते हैं सारे जितने भी एमएनसीज हैं हम बी इंडियन बाय इंडियन को हम लाना चाहते हैं, और वो टोटल निष्कामता पे काम कर रहे हैं। बालकृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ देश सेवा कर रहे हैं और उनका कम से कम प्रॉफिट है। तो उन्होंने कहा बालकृष्ण जो हैं उन्होंने कोई बड़ा एमबीए नहीं करा, उनकी कोई फॉरेन एजुकेशन नहीं है, उन्होंने हमारे सिर्फ शास्त्र पढ़े, समझ रहे हैं आप, उन्होंने सिर्फ वेद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, सिर्फ हमारे शास्त्र पढ़े और निष्कामी है, गुरु भक्त है, देशभक्त है, तो कैसे राइज कर रहे हैं। और हमारा क्या रहता है, बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजो, ये यहाँ भेजो वहाँ भेजो, और हमारे पास जो इतनी विद्या है वो, हमारे देश में जो इतनी विद्या, हमारे गुरु जो संस्कार दे रहे हैं वो तो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो जो संसारी एजुकेशन है वो हमको ईगोइस्टिक बनाती है, और गुरु के पास आने से बच्चे नम्र बनते हैं, सेवा करना सीखते हैं, उनके अंदर नम्रता आती है, उनके अंदर सहनशीलता आती है, उनके अंदर प्रेम आता है, उनके अंदर शुक्राना मानना आता है। तो कहने भगवान को याद करने मात्र से, गुरु के संग के मात्र से सारी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आपके पास आ जाती है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान को याद करना, उनको बिल्कुल नहीं भूलना, एक सेकंड को भी नहीं भूलना, बस हमारा एक ही काम है इस टूर पे, भगवान को याद करते रहे। भगवान की हर समय याद करो, भगवान को याद रखने के समान कोई कीमती बात नहीं है, रात दिन सुबह शाम हर समय भगवान से प्रार्थना करो, हे रात मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, केवल याद करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने सिर्फ भगवान को आपको पुकारना है और भगवान को याद करना है, उसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, और खुद निर्बल हो के सारा बल उनके पास है ऐसा समझ के, भगवान को अपना मान के, मैं संसार का हूँ और भगवान को याद कर रहे हैं तो काम नहीं बनेगा, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसा अपनापन करके भगवान को याद करिए। या बेटे को या पति को, जो लोग अकेले आए हैं उनको मत याद करिए, यहाँ भगवान से अपनापन करने आए, उनसे तो बहुत अपनापन किया है ना, तो उनको याद मत करिए, वो भी होते तो कितना अच्छा लगता। आप यहाँ अकेले आए, एकला चलो रे कमार गए, एकला चलो,
अंत समय में आप अकेले ही तो होंगे या वो साथ चलेंगे आपके से? हैं, अकेले ही होंगे, अकेले आए अकेले जाना है, तो अकेले ही आपको अपना उद्धार करना है। सब अकेले अकेले हैं, साथ साथ भी हैं पर अकेले भी हैं। तो आप भगवान को बोले, जैसे खाना कोई आपकी जगह दूसरा कोई खा सकता है, पचा है खा लेगा, आपको अपने आप खाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान आपको याद, आपकी जगह कोई भगवान को याद नहीं कर सकता। पैसा तो कोई आपको दूसरा कमा के दे सकता है, घर बना के दे सकता है, कपड़े खरीद के दे सकता है, पर भगवान को याद आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, अपना उद्धार आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैं आपको एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक निमेश के लिए भी भूलूं नहीं। राधे राधे भगवान जी। हे नाथ, जो कुछ हमें मिलता है आपकी कृपा से ही मिलता है, परंतु जो हम अपना मान लेते हैं यह तो हमारा ही है। हमें जो मिलता है वो आपकी कृपा से मिलता है, पर हम क्या मान लेते हैं, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, पति मेरे हैं। तो कह रहे ये हमारे नहीं हैं, ये तो भगवान ने दिए हैं सेवा करने के लिए। ये आपकी खास उदारता है और हमारी खास भूल है कि देते आप हैं और मान लेते हैं कि हमारे हैं। महाराज, आपकी देने की रीति बड़ी विलक्षण है, सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया। एक एक चीज अगर आप लिस्ट बनाएं आपके घर में क्या क्या है, तो एक एक चीज शरीर से लेकर भगवान ने एक एक चीज दी है, और हम किसकी मानते हैं, अपनी, मेरी है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुण की छाप नहीं पड़ती, भगवान अवगुण तो देखते ही नहीं है, सिर्फ क्या देखते हैं, कितना प्रेम है इसका। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है इसको आप ही जानते हो, उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं है। भगवान सिर्फ क्या देखते हैं, प्रेम। और संसार में क्या देखते हैं, प्रेम देखते हैं कि मम्मी का कितना प्रेम है, या अवगुण देखते हैं, अवगुण देखते हैं, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती, उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं है, गुण छपते हैं, ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के हमारे पास क्या है महाराज, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान, घर आपका, परिवार आपका, पैसा आपका, सत्संग आपका, नाम जो ले पा रहे हैं वो आपका, सब कुछ आपका। हमारे पास तो सिर्फ आपसे जो अपनापन है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बस वही मेरा, और कुछ भी मेरा नहीं है। भगवान से जो अपनापन है, जो भगवान से संबंध है, वही हमारा अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है नाथ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, हम जी भी नहीं सकते। बोले अगर आप हमें अपना मानते हैं तभी हम जी पा रहे, नहीं तो हम जी भी नहीं सकते, मनु जी भी नहीं सकता। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है तभी जीते हैं। अगर हम जी रहे हैं तो भगवान की कृपा का आसरा है, एक नस बस इधर से उधर टेढ़ी कर दे, कुछ कर दे तो बस छुट्टी, इतनी मैं हम करते हैं, इतना मेरा करते हैं, खत्म। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जो, आप बिन दिखे नहीं तीन लोक में और। कृपा करके भी आपकी कृपा कभी तृप्त नहीं होती, आप इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी कृपा, फिर भी कृपा से आप कभी तृप्त नहीं होते, फिर भी आप कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं। आप इतनी कृपा कर रहे हो फिर भी आप उधर दृष्टि नहीं डालते। दुनिया में हमने किसी के लिए किया होगा तो हम कहेंगे इसने शुक्राने नहीं माने मेरे, कहते नहीं कहते शुक्राने नहीं माने, और भगवान ने इतना हमें दिया वो कहते तूने शुक्राने नहीं माने, कहते हैं कभी, और हम कितने शुक्राने मानते हैं। आप अपना किया हुआ उपकार भी भूल जाते हो, अपनी दी हुई वस्तु भी भूल जाते हो, भगवान आप तो सब भूल जाते हो। तो संसार से वैराग ले, जाने संसार में सुख नहीं है, हम सिर्फ अच्छे अच्छे लोगों का, पैसे वाले लोगों का ऊपरी ऊपरी तरफ से देखते हैं,
और समझते हैं देखो वो कितने सुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। सुख तो सिर्फ परमात्मा में है, सत्संग में है, गुरु के सानिध्य में है। तो उसको पहचाने, समझे और भगवान में मन लगाएं और गुरु का शुक्राना, गुरु भगवान के शुक्राने हैं।